दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से आमने सामने आए राजनीति के दो धुरंधर। कांग्रेस ने जहां शीला दीक्षित पर किया भरोसा, तो वहीं बीजेपी ने मनोज तिवारी पर लगाया दांव। दीक्षित बनाम तिवारी की चुनावी लड़ाई में कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी जीत, क्या कहती है श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, आपका स्वागत है धर्म ज्ञान पेज पर। संत बेतरा जी की भविष्यवाणी खासकर राजनीतिक मुद्दों से लेकर राजनेताओं की कुंडलों को लेकर हमेशा शत प्रतिशत सटीक बैठती है और एक बार फिर इनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आप पार्टी में गठबंधन हो सकता है, लेकिन जब हमने संत बेतरा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कतई नहीं हो सकता है और इनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेकिन अब जो कि एक बार फिर दिल्ली का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। जी हाँ, पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है वहाँ से एक तरफ जहाँ मनोज तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी को उतारा है। एक तरफ मनोज तिवारी हैं जो कि दिल्ली से पार्टी के प्रभारी, तो दूसरी तरफ शीला दीक्षित हैं जो कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन किसे शिकस्त देगा और ये मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सर कि शीला दीक्षित जी की राजनीतिक कुंडली क्या कहती है। देखिए, शीला दीक्षित की जी का जो डेटा है 31/3/1938 के हिसाब से 13/22 में कपूरथला के जन्म को लेके देखते हैं तो इनकी कर्क लगन की कुंडली है। इस टाइम शीला दीक्षित की जो ग्रह दशा चल रही है वो अति उत्तम है, तो इसलिए इनके ग्रह दशा को देखते हुए सबसे बड़ी चीज़ जो है ये अपने आप को साबित कर देंगी इस इलेक्शन में। ये अपने आप को साबित कर देंगी कि जो बंदा इनके पीछे एक अटैची लेके घूम रहा था कि मेरे पास उनके अगेंस्ट जो हैं इतने सारे सबूत हैं और मैं इनको वो करूँगा, और वो कर कुछ नहीं पाया। पूरे 5 साल वो एज ए मुख्यमंत्री रहकर वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, उनके ऊपर केस तक नहीं कर सका, और इसी चीज़ को जाते जाते मतलब अब शी इज़ 81+, तो ये इनका ऑलमोस्ट लास्ट इलेक्शन मान के चलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन आएगा शी विल क्रॉस 90 के आसपास होंगी। तो इस टाइम जो है जाते जाते दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के साथ न्याय करेगी। न्याय करेगी का मतलब है कि शीला दीक्षित क्लियरली अपनी सीट बचा लेंगी और जीतेंगी, भले ही नेक टू नेक की फाइट हो, लेकिन शी विल विन, क्योंकि उनकी इस टाइम सीधा में सीधा योगनी जो है चल रही है, जिसके कारण उनको हरा पाना मनोज तिवारी के बस का काम नहीं है। देखिए सर, दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं जो कि भोजपुरी स्टार हैं और दिल्ली से पार्टी के कहें कि राज प्रभारी हैं, तो क्या लगता है सर आपको कि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का पलड़ा आपको हल्का दिख रहा है, क्या होंगे थोड़े बहुत निग्रह नक्षत्र आपको? एज मनोज तिवारी एज ए वर्कर एज ए लीडर मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मैं इनकी चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। इस टाइम जो शीला दीक्षित जी का चार्ट है और जिस तरीके से इनका पेंडुलम चार्ट है, ये धार्मिक विचार की हैं और बड़ी लॉजिकल बात करती हैं, इसलिए ये जो इनको मौका दिया गया है, ये मौका जो इनको दिया गया है, इसमें ये बिल्कुल अपने आप को सच्चा साबित करेंगी। इन पे जितने ब्लेम लगाए गए थे उन्हीं के आधार पर ये मुद्दा जो है अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ है इनको, ये बीजेपी से फाइट नहीं करेंगी, ये सीधी अपने मुद्दों पे बात करेंगी कि मेरे को इन्होंने चोर बोला था लेकिन चोर साबित नहीं कर पाए। और जाते जाते दिल्ली की जनता का इनके साथ बहुत सहानुभूति रहेगी और जनता इनके साथ न्याय करेगी, क्योंकि ये भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स जो हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। इन पे लांछन लगाए गए लेकिन वो साबित नहीं हो पाए, तो इसलिए इनका जो है योग तो इनका बिल्कुल कंफर्म बनता है, क्योंकि 8/9/2019 तक इनकी सीधा में सीधा
में सिद्धा का ही प्रत्यंतर होने के कारण इनको हरा पाना आसान नहीं है। देखिए सर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है इस पे त्रिकोण मुकाबला भी, क्योंकि आप पार्टी से दिलीप पांडे यहाँ से उतरे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए त्रिकोण मुकाबला तीनों के लिए, और जो ग्रह दशा है इस टाइम शीला दीक्षित की अति उत्तम है, और इनके साथ पास्ट में जो अन्याय हुआ है, जो अटैचिंग लेके हमारे अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे थे कि हम ये कर देंगे, ये बता देंगे, ये कर देंगे, जेल कुछ जेल भेजने वाली बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। और तो और उनके चरणों में जाके पड़े तो उनको उसे क्या बोलते हैं, साथ में गठबंधन भी नहीं किया, तो उनको तो वैसे ही पार्टी जो है उनकी बहुत डिमोटिवेटेड है, उनका मोरल वैसे ही गिरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ के गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ हाथ जोड़े, पैर पड़े, बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन नहीं। और वो बहुत अच्छा हुआ है, मैंने इसकी भविष्यवाणी भी की थी कि कांग्रेस नहीं करेगी, और कांग्रेस ने नहीं किया। सर, जो कि पार्टी आला कमान ने शीला दीक्षित जी पे एक बार फिर भरोसा जताया है, चौथी बार वो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है सर, क्या इसका फायदा एक बार फिर शीला दीक्षित जी पार्टी को देकर जाएंगी? 99.9% शीला दीक्षित विजयी होंगी, वो अजय हैं, क्योंकि उन पर कोई भी जो इन्होंने आरोप लगाया था वो साबित नहीं कर पाए, और उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत आपके ऊपर आक्षेप कर रहा हो और अगर आप उसको उतनी तरजीह नहीं देते, उसको उसका जवाब नहीं देते, तो अपने आप ही हालत उसकी ख़राब हो जाती है, जो इस टाइम जो है अरविंद केजरीवाल की है या आप पार्टी की है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संबेत्रा जी, जिनसे हमने बात की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पे, जो कि इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ शीला दीक्षित जी हैं जो कि तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं, और पिछली बार 2014 में उन्होंने ये सीट जीती थी, खुद यहाँ से वो सांसद हैं। तो ऐसे में अब ये तो नतीजे बताएंगे कि कौन शिकस्त खाता है, कौन विजय होता है, लेकिन सर की भविष्यवाणी है कि इस बार किस्मत शीला दीक्षित जी का साथ देगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाजत, और धर्म ज्ञान के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए।